नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग सत मैं लालागढ़ हरियाणा सभी साथियों को सबसे पहले तो छठ पूजा की बहुत बहुत मुबारक हो आज का टीम बीकॉन फायर में आप सभी साथियों का स्वागत है आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है किसी भी साथी को कोई भी अगर डाउट है कंपनी के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप क्षमता से पूछ सकते हो सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि बारी बारी आकर कोई भी उनके मन में शंका है उसको दूर कर सकते हैं क्योंकि हम हफ्ते में एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं क्योंकि बीच बीच में अगर कोई पूछता है तो जो हमारे और प्रोग्राम होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आज सभी साथियों को मौका है अपना कोई भी डाउट है अपने क्लियर करें और मन लगा कर उन पैसे को करें तो मैं इसी में अपने ओ पी वर्मा सर को मैं स्वागत करता हूं टीम बीकॉन फायर में और ये सर ओपी वर्मा सर आपका स्वागत है थैंक यू थैंक यू लाला जी टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा फ्रॉम टोहाना हरियाणा नमस्कार करता हूं सभी का स्वागत करता हूं वेलकम करता हूं जैसा कि साथियों हमारे लाला जी ने बताया कि आज टीम बिकॉन फायर के मंच पर जो हमारा सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का है आप ऑन पैसिव कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में है कंपनी को लेके कोई आपका सवाल है कोई भी क्वारी है तो आप आज अपना हैंड रेस करके उसकी जानकारी ले सकते हैं टीम बिकॉन फायर मंच की जो कोर टीम है वो अगर सही है उसको लगता है कि हम उसका जवाब देने के काबिल है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका यथासंभव जवाब देने की कोशिश करेंगे तो साथियों सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी साथी कंपनी कब लॉन्च होगी कंपनी का कब पैसे आने स्टार्ट होंगे प्लीज इस तरह के सवाल कोई भी साथी ना करे क्योंकि इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है सिर्फ आप कंपनी को लेके कोई भी सवाल कंपनी के बारे में कोई जानकारी कोई क्वेश्चन कुछ भी है वो आप पूछ सकते हो क्योंकि हमारा सेशन जो आज है क्वेश्चन आंसर का है उसी से संबंधित ही आप सवाल जवाब कीजिए तो मैं आगे सेशन को सुनचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए मेरे रिस्पेक्टेड सर श्री हरीश शर्मा जी को कॉल करता हूं सर आइए वेलकम सर आपका मंच के ऊपर स्वागत है हरीश सर थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच वर्मा जी Uh, आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट और फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स uh, दोस्तों हम ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और uh, जब ये हम इस प्रोसेस के अंदर हैं तो हो सकता है कि हमारे ही बीच उपस्थित कुछ साथियों के इस... मन में कुछ शंका हो सिस्टम को लेकर टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनी को लेकर और टूल्स को लेकर या जो भी कॉन्सेप्ट हमारे बीच में है तो हमारा जो ये वीक का वेडनेसडे होता है ये हम इसको शंका निवारण दिवस के रूप में या शंकर uh, निवारण सेशन आप बोल सकते हैं उसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम सभी लोगों के साथ एक ओन पैसिव को लेकर एक बेहतर समझ विकसित कर पाए और इस समाज में की बेहतरी के लिए अपना कोई ए, अपनी तरफ से कुछ योगदान दे पाएं तो आज हमारा क्वेश्चन आंसर डे है आप अपना हैंड रेज कर कर या जो भी बात आपके मन में है इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप शेयर कर सकते हैं ताकि यहाँ पर उपस्थित जो भी कोर टीम है आपके उस शंका को निवार का निवारण कर सके ताकि एक भी अगर व्यक्ति की ए, मन में कोई है, अगर वो होती है, तो वो हो सकता है कि अपनी तरफ से दस लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर दे उनको ओन उन पैसी के फाउंडर मेंबर बनाकर तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन मिशन के रूप में पैसे पिछले 2018 से काम कर रहा है और लगातार ग्रोथ का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है साथियों पैसिव के हैदराबाद ऑफिस में ट्वेंटी फोर आवर्स काम चालू हो चुका है ऐसा हमें एक मैसेज के जरिए पता लगा और सभी लोग बहुत स्पीडली और फास्ट तरीके से अः एग्जुकेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि जितनी बड़ा सिस्टम होता है दोस्तों उतनी बड़ा एग्जुकेशन होना बहुत जरूरी है मतलब वो हम पब्लिक पब्लिक ओपन के सामने किस तरह से अपने इस कॉन्सेप्ट को पेश करें ये बहुत मायना रखता है और सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही हैं हम सब लकी हैं और डेफिनेटली हमें अपने आप को ये महसूस करवाना है कि हम उन पैसे में आ गए हैं तो हमारा भविष्य सिक्योर है और ये ऐसा नहीं कि हम किसी की कही हुई बातों पर अंधविश्वास जिसे हम कहते हैं अंधविश्वास में विश्वास कर लें नो हम साइंटिफिक नज़रिए के जरिए अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिस्टम को जानने समझने और सीखने का प्रयास करें कि चीजें अगर ऐसी बताई जा रही है तो उसके पीछे कारण क्या है क्यों ऐसा होगा या हमारा भविष्य क्यों सिक्योर होगा इन सारी चीजों को हमें साइंटिफिक नजरिए से चेक करने और देखने की आवश्यकता जरूर है तो आप सभी का स्वागत है अगेन आज के इस सेशन के अंदर तो आप सभी साथी जो भी क्वेश्चन रखते हैं माइंड में तो आप जरूर हैंड रेज करें हमारे बीच में एक हैंड रेज आया है तो वर्मा जी आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं जी जी सर रवि कुमार जी का सर उसको अपना का सर अपना अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए चलिए रवि कुमार जी वेलकम है आपका आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर टीम बिकोन फायर का आपका स्वागत करता है आप आइए अपना इंट्रोडक्शन देकर आप अपनी बात रखिए सर वेलकम रवि कुमार जी अनम्यूट तो हो गए हैं ये आवाज नहीं आ रही रवि कुमार जी आपकी बोलिए हो सकता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रवि जी आप तक अगर हमारी आवाज आ रही है सर तो आप या तो रेंज में नहीं है या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है हेलो यस hey. यस सर बोलिए सर आवाज आ रही है अभी अभी फिर अभी नहीं आ रही नहीं। जैसे जीमेल रिलेटेड एक वीडियो आया था तो उसमें लिखा था कि तो वेरिफिकेशन करना तो जैसे सभी जीमेल अच्छी तरह से चल रहे तो ये टू तो टाइप वेरिफिकेशन किस तरह से करना होगा क्या ये जरूरी है ओके okay. रवि जी जो ये टू टाइप वेरिफिकेशन है पहले तो हमें ये समझना है कि ये है क्या टू टाइप वेरिफिकेशन ये एक सिक्योरिटी लेयर है आपकी जी मेल के लिए यानी कि एक सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है कि आप अपने इस सिस्टम को और अपनी जी मेल को सिक्योर कर सकते हैं उसमें करना कुछ नहीं है ये है कि आप उसमें आ, कुछ लोगों के मोबाइल नंबर नहीं डाल रखे होते हैं जी में जाके तो आप अपने उसमें सेटिंग में जाएंगे और जाकर आप उसमें टू 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 स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और उसमें जाकर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पहले तो पासवर्ड मांगेगा वो पासवर्ड डालकर जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें आपको मोबाइल नंबर डालते हैं फिर उस पर ओ आता है ओ डालकर आप उसको सबमिट कर देते हैं डैट सिट इतना ही काम है उसमें और कोई खास काम नहीं है लेकिन यह है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अब उसका ऑथेंटिसिटी क्या है ये वीडियो अ, किसने बनाई या क्या रीजन है अ, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन ये हमने जैसे मैंने भी किया है अपने सभी ईमेल्स का तो कर लेना चाहिए इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि वो तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो बात कही गई ये अपनी कंपनी की तरफ से नहीं है हरी सर हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ये गूगल की तरफ से आया था गूगल अपने क्या नाम उसके ऊपर न्यूज के अंदर कि भाई नौ नौ तारीख के बाद आप अपने जो ये टू स्टेप उसका है वो अपना एक्टिवेट कर लो ये गूगल की तरफ से था ना कि उसमें अपने लोगों ने तो इसलिए क्या, क्या है क्योंकि अपने इसके अंदर जो मेल डल है मोस्टली मतलब जी मेल है वो सारे उसमें हाँ जी, हाँ जी। तो सिक्योरिटी पर पर्पज से लोगों ने बोला है लेकिन अपनी तरफ से नहीं गूगल की तरफ से था हाँ ये गूगल की तरफ से था सिस्टम की तरफ से था हाँ, और ये अच्छी चीज है मतलब हाँ, कोई नहीं नहीं हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है रवि कुमार जी आप म्यूट हो गए हैं आप अनम्यूट कीजिए सर दोबारा अगर और कोई बात रखना चाहते हैं हाँ हाँ सर जैसे सुन रहा हूँ मैं तो जैसे और जैसे मेरे सभी जीमेल अगर अच्छी तरह से खुलते तो ये कोई मतलब एकदम जरूरी तो नहीं है ना कि ये करना ही होगा नहीं हम इसमें परफेक्टली कुछ नहीं कह सकते सर क्योंकि ये गूगल का है सिस्टम अगर वो कह रहे हैं ऐसा कोई ऑथेंटिसिटी है तो कर लेना चाहिए वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है सर जीमेल तो चल रहा है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कुछ कंपनी की कुछ ऐसी प्लानिंग हो कहीं जैसे पीछे कुछ ईमेल आईडीज़ को गूगल से ही रिमूव कर दिया गया था आ, हो सकता है कि वो उस वो वो यूजेबल यूज में नहीं कर रहे होंगे या लॉग इन नहीं कर रहे होंगे काफी दिनों से तो इस कारण से हो सकता है वो ईमेल आईडी रिमूव की गई तो लेकिन ये है कि कर लेना चाहिए सर सभी को मैं तो हम तो इतना ही कहेंगे क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई खास चीजें भी नहीं है कोई भाई आम आदमी ना कर पाए वो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है तो कर लेना चाहिए ये जो सेटिंग है तो ये जब हम जीमेल ओपन करते तो उसमें सेटिंग का ऑप्शन है क्या सर प्रोसीजर करने के लिए हाँ जी हाँ जी जैसे आप, आप जैसे फोन में है जहाँ पर जीमेल का, की ऐप होती है ना जहां पर आपने जीमेल डाल रखी है तो ऊपर लिखा होता है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें मैनेज अकाउंट ऐसा करके आता है है ना मिनट मैं परफेक्टली बताता आपको सबसे पहले सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे मेल खोलने के बाद उसके बाद आप मैनेज द अकाउंट में जाएंगे वहां आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करोगे कौन सा अकाउंट की आपने वो करनी है जी. उसके बाद आपका खुलेगा तो उसके अंदर आप जाओगे सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी के अंदर आपको मिलेगा टू स्टेप इसका, ये, इसका वैसे वैसे, तो वैसे पर... वर्मा जी वैसे इसका सही सिस्टम हुँ. जाने का तरीका ये है कि जैसे जहां आपकी मेल है, मेल है है आईडी जीमेल खोलते हैं हम ऐप जो होती ना उस उसके ऊपर आपका हुँ. लोगो या आपका नाम या फोटो डाल रखा है तो आपका फोटो आता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा आता है गूगल अकाउंट आपके मेल के आगे उस गूगल अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका उस आईडी का खुल जाता है उसमें होम पर्सनल इंफॉर्मेशन फिर डाटा प्राइवेसी देन आता है सिक्योरिटी बस हाँ सिक्योरिटी में जाएंगे तो आपको नीचे सिक्योरिटी में नीचे करेंगे तो वहां लिखा आएगा टू टू स्टेप वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन बस उस पर क्लिक करके कर आपको आगे पता लग जाएगा वो सिंपल सा है फिर जब ये हो जाएगा तो इसमें आप चेक करेंगे तो ऑन लिखा आएगा और राइट का राइट का निशान आएगा बस जी हाँ सर और एक दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा जी जैसे अभी में में तो तो वही तो 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 चाहिए तो वो तो होना चाहिए था और दूसरी मेन बात ये है कि इस तो उसके साथ जो प्रोडक्ट आएंगे तो वो तो हमारे कुछ काम के नहीं है क्योंकि हम हम उसको वापरने वाले तो है नहीं क्योंकि जैसे ओनली पैसे के लिए अगर इसमें आया हो तो किसी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो फिर ये करना क्या होगा फिर आने के बाद उसका क्या उपयोग होगा मर लिए देखिए प्रोडक्ट की जरूरत हो सकता है कि सभी लोगों को ना हो जो उसमें आया है लेकिन बहुत सारे लोगों को जो ये प्रोडक्ट आ रहे हैं सर वो बहुत यूजेबल है हमें क्या करना है ये जो प्रोडक्ट आएंगे हम उनको चेक कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं या जिन चीजों की हमें आवश्यकता है उन, उनको देख सकते हैं ये हमारे प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी है आपके प्रोडक्ट हैं तो आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं ताकि जानकारी आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताने में आपकी हेल्प होगी दूसरा जब आपकी नॉइज नई वेबसाइट आएगी उसमें केवल ये टूल्स के साथ-साथ और बहुत सारी चीजें होंगी और एवरी टाइम उस वेबसाइट पे विजिट करना ये हमारे इस कॉन्सेप्ट को इस कंपनी को इस सिस्टम को बड़ा बनाने में एक योगदान रहेगा क्योंकि तो इंटरनेट के ऊपर क्या होता है रवि जी कि जितने ज्यादा विजिटर्स होते हैं जितना ज्यादा समय आप वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं उससे क्या होता है कि वेबसाइट की वैल्यू क्रिएट होती है और जिस तरह फेसबुक है फेसबुक की वैल्यू क्या क्यों ज्यादा इतनी बड़ी हो चुकी है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उस पर विजिट करते हैं डेली करते हैं और घंटो घंटों फेसबुक के ऊपर रहते हैं पूरे दिन के अंदर इसी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती है इसी तरह जब हमारी वो फाउंडर वेबसाइट आ जाएगी वो एकदम न्यू होगी लाजवाब होगी जैसा कि एस सर के द्वारा बताया गया है कि वो ऐसी होगी कि तो मतलब आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे उस वेबसाइट को आने के बाद तो मैं हमें ज्यादा से ज्यादा उस पर विजिट करना है अपना समय जितना भी

यूजेबल हो लेकिन फिर भी हम दुकान पर रखते हैं ना किसी ना किसी के लिए तो यूजफुल होंगी इसी तरीके से ये बिजनेस हमारा है सर हमारे बहुत सारे अब पचास, अभी तो पांच टूल, टूल आएंगे तो पचास टूल हो सकता है कि मेरी जरूरत के ना हो उनमें से एक या दो टूल हो लेकिन बिजनेस है ना हमारा तो बिजनेस है तो हमें उनको देखना भी पड़ेगा चेक भी करना पड़ेगा उसको विजिट भी करना पड़ेगा उसकी जानकारी भी लेनी पड़ेगी और डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए क्या कहते हैं हाँ, है आप मुझे ये कहना था कि जैसे अभी पिछले बार जो जीडी साहब ने 10 तारीख मतलब 10 नवंबर तक बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा कहा था वैसे आज तो 10 तारीख है समझो तो कुछ इंटरनल हलचल हुई है क्या ये जानना था सर uh, परफेक्टली तो हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते डेफिनेटली बैक एंड पे तो बहुत तेजी से काम हो रहा है सर और डेट uh, uh, किसने दी थी हमें तो मेरे को तो नॉलेज में नहीं है सर कि ऐसा कुछ दस तारीख बोला गया था जैसे जीडी सर ने एक पिछले वेबिनार में बताया था कि दस दस तारीख तक मैं बहुत कुछ हलचल हो जाएगी ऐसा अच्छा अच्छा हाँ सर तो अभी पब्लिकली तो कोई ऐसा चीजें सामने आई नहीं है सर लेकिन डेफिनेटली बैक एंड पे बहुत फास्टली काम चल रहा है ये हम कह सकते हैं अच्छा अच्छा धन्यवाद सर धन्यवाद ओके ओके थैंक यू सर थैंक यू रवि जी Thank you very much. Over to you uh, वर्मा जी क्या कुछ किसी ना? का hand raise तो है नहीं कि लगता किसी का कोई सवाल तो है नहीं जी तो फिर हम अपने सवाल कर लेते रहेंगे और अपना ही जवाब देते रहेंगे और क्या करें सर <laughs> अभी <laughs> आ गए है, जी राजेश कुमार चौहान जी हाँ साथीय रखिए हैंड raise जरूर कीजिए प्लीज राजेश जी वेलकम है आपका राजेश कुमार चौहान साहब आपको का ऑप्शन दिया गया है सर वेलकम हेलो यस सर वेलकम जी सर मेरा आवाज आ रहा है यस सर यस सर बिल्कुल क्लियर हेलो हाँ जी बोलिए सर बोलिए राजेश जी यहाँ राजेश जी के वहाँ भी काफी प्रॉब्लम रहती तो, है नेटवर्क की छत्तीसगढ़ में राजेश सर बोलिए तो मेरा आवाज आ रहा है सर अभी आ रहा है सर अभी आ रहा है आवाज आ रहा है सर मेरा सर हाँ जी हाँ जी आ रहा है मेरा सर, आवाज आ रहा है सर हाँ जी आ रहा है आ, जी जी सर मैं राजेश कुमार चौहान छत्तीसगढ़ जसपुर से बात कर रहा था वेलकम टीम बी फायर के इस सभी होस्ट होस्ट को फाउंडर सभी को मेरा नमस्कार सर सर जी सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है काफी दिन हो गया था ये टावर और के चलते इधर के चलते मैं आप वेबिनार में नहीं आ पाया था मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर और अभी सर हरे सर जो आप अभी जो अ... जय सर के साथ में उनका जो आप आए थे सर काफी अच्छा लगा सर और उसको देख करके जी. टीम में बहुत कम कम से हमारे कम्युनिटी में बहुत ही अच्छा उसका बेनिफिट मिला सर जी और मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर बाकी काफी दिन से आपसे बात भी नहीं हुआ था तो चलो भाई आ जाता हूँ जी, जी. जी सर जी सर बहुत बढ़िया करा सर बहुत बढ़िया जी सर तो जी सर थैंक यू सर आप उस जो वीडियो आ, के बारे बाकी में कोई क्वेश्चन नहीं है सर है ना कोई क्वेश्चन नहीं है और तो लगातार अपडेट देख ही रहे हैं जी, जी 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 थैंक यू थैंक यू राजेश जी और okay, sir, जो लगातार देखिए जो आप जैसे जो फाउंडर मेंबर हैं लगातार सिस्टम के साथ कनेक्ट रहते हैं तो डेफिनेटली वो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई चीजें चल रही हैं और चाहते तो अभी क्या सर और एक तो अभी तो खैर वो बात नहीं करना चाहिए जैसे आठ, आठ बजे वाला जो है ना आठ बजे का अब तो तो इंटरनेशनल हो गया तो वो क्या है यूट्यूब में नहीं आता है तो ढेर सारे हमारे फाउंडर मेंबर जो है ना जूम के टाइम में बहुत लोग जॉब में रहते कहीं और देख नहीं पाते तो पहले यूट्यूब में देख लेते थे लेकिन अब इसके लिए जो है ना अः मैं बैक ऑफिस में देखा तो मतलब उसमें जो है ना मतलब रिकॉर्डेड वेबिनार में भी नहीं आता है तो मैं इसके में थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा कहा लेकिन अभी मैं बोल दिया तो कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है सर ओके 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 बस सर आप कुछ ना कुछ तो इसका भी रीजन निकलेगा सर ठीक है वर्मा सर थैंक यू सर थैंक यू आप बस हमारे इस वीडियो को अपने टीम में शेयर कीजिए सर आपको मिलेगी सर मतलब जैसे लिंक मिलता है अभी आपका रिकॉर्डेड भी आएगा एक घंटे बाद जो भी हो यूट्यूब में भी देखने के लिए वो लोग प्रयास रहते हैं और आ, सर क्या है वर्क तो करना है सर हाँ, क्या अपना कुछ भी काम करते रहे भाई वेबिनार किसी भी तरह यूट्यूब में चले जूम में सुने जो एट ए टाइम जूम में नहीं सुन पाते हो यूट्यूब में सुनते हैं सर बिल्कुल इतना बिल्कुल। तो सजग बना के रखे है सर बिल्कुल बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया राजेश जी ओके सर ओके ओके सर थैंक यू सर थैंक यू सर देखिए साथियों राजेश जी का कोई क्वेश्चन नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयास किया अपनी बात रखने का और ऐसे ही आप भी आ सकते हैं थोड़ा सा बातचीत करेंगे तो थोड़ा सा खुलेंगे और खुलेंगे तो खिलेंगे डेफिनेटली चलिए वर्मा जी आगे बढ़ते हैं आ, हमारे बहुत ही सीनियर और अनुभवी साथी हमारे बीच में आ चुके हैं, हैंड रेज करके मिस्टर मधुसूदन बांदे सर तो हम ऑलवेज आपका वेलकम करते हैं मधुसूदन सर और जब भी आप आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है तो प्लीज अगेन वेलकम है आपका आप आइए सर और ये मंच आपका स्वागत करता है वेलकम वेलकम पांडे सर थैंक यू सर थैंक यू वर्मा जी थैंक यू सर कोई बात तो नहीं थी अभी कोई पच्चन वगैरह नहीं था लेकिन दिवाली के सीजन में आपने वेबिनार बंद थे जी वो अपने वो वो मैंने आपको भेजा था वो एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग करके कोई वेबिनार थे हिंदी में जी वो कोई तो कोई तो को, कोई को, 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 ले रहे थे वो बांग्लादेश और वो अपना भी था तो उसमें जरा जरा जोर देके बोल रहे थे वो कि भाई आ, अभी कुछ दिन है टीम बनाओ थोड़ी थोड़, थोड़, थोड़े थोड़े लोग तो रह रही सकते अपने थोड़े नजीक के तो बात ऐसी हो गई जिसका, जिसका कोई कुछ नहीं है टीम तो जरा सा उनकी वो हो जाती थोड़ी सी तो इस पर आप प्रकाश डालिए थोड़ा सा कि आप तो डालते ही रहे थे लेकिन नए लोग बोल रहे थे मैं 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 महाराष्ट्र से अमरावती से बात कर रहा हूँ मधुसूदन पांडे रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हूँ तो अच्छी बात होती है हरी सर तो इस पर आप तो डालते रहते प्रकाश कि भाई कोई चिंता मत करो लेकिन ऐसा वेबिनार में बोल देते कि दूसरी बात ऐसी है कि लो, लो कि लोग लोग कुछ क्या बोलते अपने वेबिनार चलते कि नहीं तो वेबिनार में अपन बता देगी नहीं कि भाई आ जाओ तो ये बोलते लोग बोलते कि क्यों क्यों कर रहे कि आ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ मैंने बोला ये समाज कार्य है ना भाई कि भाई तुम्हारा भी फायदा हो हमारा भी फायदा हो जो नजदीक के लोग को जुड़ा तो ऐसा इस पर आप हरी सर एक प्रकाश डालिए हमारे में। दोस्त बैठते हुए वसंत चौहान करके उनका भी वो उनको आ गए आज मैंने बोला चलो हरीश सर के साथ मिल जाओ तुम भी तो आ गए सर विभिन्न में बैठे अपने बड़े अच्छे फाउंडर है अच्छा तो आप क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि वेबिनार में अटेंड करना क्यों जरूरी है इस पे इस पे बात करें नहीं, 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 सर. और... जो, आ, मैंने, कर, टीम बना ऐसा ऐसा बोल रहे थे सीजन में चाहिए या न, क्या जरूरत है उसकी जिस पर जोर दे रहे थे ज्यादा अच्छा 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 जिसके नहीं है कि नहीं सिंगल आई ना कोई लोग हाँ, तो उनको ना जाते कि भाई ऐसा है क्या बनाना पड़ेगा क्या ऐसा तो इसको ओके 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 अच्छा तो, बोलते मिलते रहते हैं जी 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 समझ गए समझ गए तो बिल्कुल सही बात कही आपने सर कुछ लोग क्योंकि देखिए जो लोग ऑन पैसिव के अंदर आ चुके हैं है, उन उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो साइलेंट फाउंडर हैं और हाँ लोग ऐसे हैं जो एक्टिव फाउंडर हैं आपके और हमारी तरह जो लगातार एक एक दो दो घंटे बात करते हैं इस विषय पर आकर और यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि टीम बनाना बनाओ 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 या बनाओ जरूरी है उसके पीछे एक उद्देश्य ये हो सकता है आ, क्योंकि सिस्टम नहीं कहता साथियों ये एकदम क्लियर है सिस्टम नहीं कहता कंपनी नहीं कहती क्योंकि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं है नहीं है बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी हमारे जैसे कुछ साथी काम कर रहे हैं कुछ लोगों को बता रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है आप अगर टीम नहीं बनाएंगे तो भी जीत तो निश्चित है इसमें नो no डाउट गारंटीड जीत निश्चित है जो जिसकी जीरो टीम होगी वो भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर आकर बहुत अच्छे लेवल पर जाने वाला है आने वाले कुछ ही सालों के महीने और साल के अंदर लेकिन फिर कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं टीम बना रहे हैं उसका रीजन क्या है कि या तो आपके ड्रीम बड़े हैं डेफिनेटली अगर आपके ड्रीम बड़े हैं तो ड्रीम बड़े हैं तो जल्दी बड़े लेवल पर आप इनकम के रूप में जाना चाहते हैं तो जो कंपनी छह महीने बाद आपके लिए स्ट्रक्चर तैयार करेगी अगर आपने वो अपने लिए पहले लॉन्चिंग से पहले तैयार कर लिया तो डेफिनेटली इनकम पहले आएगी जब छह महीने बाद जो आनी थी वो छह महीने पहले आ जाएगी तो ये सबका अपना अपना नजरिया होता है और होना चाहिए कि भाई मुझे बड़ी टीम बनानी है या मुझे कुछ लोगों की मदद करनी है इस नजरिए से टीम बनाने के ऊपर जोर देना चाहिए क्योंकि अगर मैं चाहता हूं, मेरे मेरे वजह से अगर कुछ लोगों की जिंदगियों के अंदर ओन पैसिव आ जाए तो ओन पैसिव के, के नेचर को अगर हम समझ रहे हैं कि ओन पैसिव किस तरह से बिजनेस को डेवलप करने वाला है तो हम चाह रहे हैं ना कि भाई मेरी सिस्टर जिस जिसके आर्थिक हालात ठीक नहीं है बहुत आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है या जो भी संघर्ष का जीवन है वो, वो केवल वो एक एंट्री डाल ले और आने वाले साल छह महीने डेढ़ साल दो साल में जब उसके परिवार के पास हजारों रुपए की या लाखों रुपए की जो भी सिस्टम बैठेगा वो इनकम आने लग जाए तो कितना अच्छा रहेगा ये एक नजरिया है कि क्योंकि ये एमएलएम नहीं है इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए कामयाबी के अवसर हैं इस वजह से कुछ लोगों को अगर हम बता देते हैं तो ये पे बैक टू सोसाइटी जो थीम पर हम बात करते थे उसके अंदर एक अच्छा खासा योगदान हम दे सकते हैं क्या कहते हैं मधुसूदन सर बराबर बराबर ये तो हर अपन हरदम बोलते भाई, आ, कि भाई अः होता होगा किसकी मदद करना है आपके दिल में है कोई सोसाइटी की मदद करना है तो करो नहीं। आ, लेकिन नहीं 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 होते होंगे तो परमेश्वर की ये तो ईश्वर की देन है अपन बोलती हरदम कि ईश्वर की देन है ये जिसके पास ईश्वर की कृपा हो गई वो आएगा नहीं, नहीं तो नहीं आएगा आपके शेयर करना आपका काम है शेयर करना आपका काम है और यहाँ पर देखिए मधुसूदन सर एक इस सिचुएशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए ये वास्तव में कुछ लोग इसके अंदर आने के बाद भी वापस चले जाएंगे और जा रहे होंगे रिफंड के ले लेंगे यानी कि एक अवसर आया अवसर को धैर्य के साथ नहीं देखा और वो वापस चला गया अब इसको आप क्या कहेंगे किस्मत का खेल <laughs> पर लाखों लोग इंतजार में हैं, जल्दी से जल्दी ये, हो जाए, ये हो जाए। वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल कुछ हजार के लिए अपने इतने बेहतर अवसर को धैर्य ना रखने की वजह से वापस ले लेंगे अब इसको किस्मत ही तो कहेंगे कि एक अवसर आया था और हमेशा एक बात आपने भी सुनी होगी मधुसूदन सर एक कहानी के रूप में बताया जाता है कि एक... अपॉर्चुनिटी जो होती है अवसर होता है एक उस लेडीज के समान होता है जिसके जो पीछे से तो गंजी होती है और आगे उसके बाल होते हैं और वो दरवाजा जब खटखटाती है अगर आपने उसे आगे से पकड़ लिया तो वो आपके लिए काम करेगा वो अवसर और अगर समय रहते हुए उसने पलटी मार ली तो पीछे से आप कितना पकड़े जाओ उसको पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि पीछे से वो गंजी है तो इसी तरीके से अवसर है इस अवसर को जो लोग पकड़ लेंगे और धैर्य के साथ संभाल कर रखेंगे उनके लिए ये जीवन बदल देने वाला अवसर साबित होगा और जो लोग चाहे गाहे बजाए चाहे चाहे तरीके से अगर इसको मिस कर देंगे तो मिस हो गया आ, लेकिन ये है कि ये डैम श्योर है और मैं जब हर बार ये बोलता हूँ कि किसी के कहने से नहीं किसी के कहने से नहीं आप अपने दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं ऑन पैसिव कर क्या रही है तो वो जब आप उस तरीके से सोचेंगे चीजों को तो डेफिनेटली आपको जवाब मिल जाएगा कि कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है और हमें इसमें क्यों बने रहना चाहिए राइट right, सर <laughs> उ, हम तो राधा में वसंत चौहान में हम, हम, हमारे साथ है ना सर तो हम हमारे ड्रीम है सर एक चौहान सर का मेरा हमारे दोस्त है वसंत चौहान उनका खेत में वो रोड पर खेत है तो खेत में लंगर बनाने का हमारा ड्रीम, वो ड्रीम है सर एक ड्रीम पूरा करना क्लैपिंग है सर आपके लिए क्लैपिंग ए, दियो सर, दियो सर एक चीज और भी है अगर हम किसी साथी या रिश्तेदार का अभी नहीं बताएंगे तो जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी हमें पैसा आएगा तो सब हमें ये नहीं कहे सकेंगे अगर जी आपने हमें बताया तो मारेंगे मारेंगे अपने बताना भी हरियाणा में कहते हैं मधुसूदन सर उलाना इतना बड़ा देंगे कि आपको संभाला नहीं आएगा इसलिए बता दो अपनी तरफ से बता दो करना ना करना आना ना आना वो उसके ऊपर छोड़ दो अब जो नौ अब जो नौ हजार रुपए नहीं लगाते सर वे बाद में ये कहेंगे जी हम तो लाख रुपए भी लगा देते आपने बताया नहीं हमें हाँ,